विश्वास करने का अर्थ क्या होता है? विश्वास करने का सिर्फ यही अर्थ होता है कि किसी बात को सत्य मान लेना जिसको आपने जाना नहीं है। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि आपने ईश्वर को जाना नहीं है, ईश्वर का कोई अनुभव नहीं है, ईश्वर को आपने देखा भी नहीं है, फिर भी किसी के कहने मात्र से आपने मान लिया कि ईश्वर है। इसी को कहते हैं बिना जाने मान लेना। अब आपने मान लिया, मानने का कारण यह है कि आप सोचते हो कि स्वयं खोजने की मेहनत ना करनी पड़े, स्वयं खोजने का श्रम ना करना पड़े, स्वयं कुछ करना ना पड़े, और फिर इस बात में उलझने की ज़रूरत ही क्या है, यह है ईश्वर की नहीं है। आपको तो कोई प्यास भी नहीं है जानने की, इसलिए आप सोचते हो कि मान लेने में हर्ज क्या है। अगर होगा बाई दबे, उसको हाथ जोड़ लेने में हर्ज क्या है? अगर होगा तो अपना काम बन गया, वो नाराज नहीं होगा, और नहीं होगा तो मेरा गया क्या? हाथ ही तो जोड़ा है, मेरा नुकसान ही क्या हुआ? तुम मानते ही ईश्वर को सिर्फ इसलिए हो कि कौन इस पछड़े में पड़े कि ईश्वर है या नहीं है। मान लेना आप सोचते हैं कि उपयोगी होगा, लाभकारी होगा, क्योंकि अगर होगा ईश्वर तो अपना काम बन गया, और अगर नहीं होगा तो हमारा नुकसान ही क्या हुआ? हमने हाथ ही तो जोड़ा है, 10-5 मिनट कुछ एक्स वाई जेड पार्टी तो किया है, क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लेने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन वास्तव में तुम्हें पता कुछ भी नहीं होता है। इस अज्ञान के कारण तुम अज्ञान में पैदा होते हो, अज्ञान में जीते हो, अज्ञान में जीते जीते चले जाते हो। बिना जाने मान लेने के आधार पर, बिना जाने विश्वास कर लेने के आधार पर जो धार्मिकता निर्भर रहती है, ऐसे अंधे लोगों का इस पृथ्वी पर हमेशा शोषण किया गया है, और शोषण करने वाले हर युग में महसूस रहे हैं, और शोषण करने वाले एक जगह नहीं, जगह जगह बैठे हुए हैं। एकाध 2% पकड़ लिए जाते हैं, वो प्रकाश में आ जाता है, जिनका मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है वो पकड़ लिए जाते हैं, जिनका उतना गंभीर नहीं होता है या उससे भी ज़्यादा गंभीर रहता है, लेकिन पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन हर जगह मनुष्य का शोषण हो रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो रहा है, चाहे सामाजिक क्रांति के नाम पर हो रहा है, चाहे राजनैतिक क्रांति के नाम पर हो रहा है। राजनैतिक तल पर भी तुम मान लेते हो, बस अंधों की तरह जाकर वोट देते हो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे। तुम जब तक भेड़ों का जीवन जियोगे, भेड़ों की चाल चलोगे, राजनीतिक तुम्हारा शोषण करेगा। तुम्हें जाति के आधार पर बांट दिया जाता है, इस जाति को हो, उस जाति की हो। जब तक तुम आंख बंद करके जाति जैसी बातों को मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा शोषण किया जाता रहेगा। आर्थिक तल पर तुम्हें भरोसा दिलाया जाता है कि इससे तुम्हें आर्थिक आज़ादी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, वहाँ भी तुम बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हर चीज़ को मान लेते हो। जब तक तुम मानते रहोगे चीज़ों को, अपनी आँख खोलने की चेष्टा नहीं करोगे, आँख खोलकर जीने की चेष्टा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शोषण होगा, और इस पृथ्वी पर भेष बदल बदल कर पैदा होते ही रहेंगे। उनका अंत करना चाहते हो तो जागो, आँख खोलो, और आँख खोलने की विधि ही दे रहा हूँ मैं, साइंस डिवाइन।